गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है ऑटोफाय एलईडी फ्लैशर इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर आगे इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करते हैं। ये फ्लैशर मैंने मंगाया है amazon.com से। यूजुअली इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो है 700 to 800 rupees, बट मुझे ये लाइटनिंग सेल में 550 rupees का मिला। इफ यू वॉन्ट दिस प्रोडक्ट डू चेकआउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके अंदर हमें मिलता है ये मेन यूनिट जो कि है वर्जन 340 मोड्स एलईडी फ्लैशर और ये पैटर्न चेंजर स्विच। तो ये रहे मेरी गाड़ी के पुराने इंडिकेटर बल्ब, इनको मैं निकाल के चेंज करूँगा और इसकी जगह लगाऊंगा मैं ये वाले इंडिकेटर बल्ब। ये एलईडी इंडिकेटर बल्ब है। तो ये एलईडी इंडिकेटर बल्ब लग चुका है, तो इसके अंदर मैंने एलईडी इंडिकेटर फिट कर दिया है, सेम दूसरे वाले में भी कर दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं, इसमें मैंने स्टॉक बल्ब की जगह एलईडी बल्ब क्यों यूज़ किया। बिकॉज ये जो फ्लैशर है ये एलईडी इंडिकेटर्स को सपोर्ट करता है। मे बी इसमें मैं एलईडी इंडिकेटर्स भी लगा दूँ नियर फ्यूचर में, अगर मुझे कोई सूटेबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो ये बल्ब सिर्फ मैंने इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए लगाए हैं, जो कि मुझे अराउंड 30 rupees ईच इसकी कॉस्ट पड़ी है। सबसे अच्छी बात इस फ्लैशर की यही है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई भी वायर कट नहीं करनी पड़ती और इसे लगाना बहुत ईजी है। ये रहा स्विच जो मुझे इस फ्लैशर के साथ ही मिला है, इसे मैं आगे यहाँ हैंडल बार पे लगाऊंगा। लगने के बाद ये कुछ इस टाइप का लगेगा। स्विच मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इस वायर को मैं इसके नीचे से यहाँ से लाते हुए यहाँ पीछे तक लेके आऊँगा। इस वायर को मैं यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आया हूँ, तो ये इसके नीचे छुप जाएगी ऐसे। इसके साथ जो इसका वायरिंग डायग्राम मिला है उसे देख के आप इसे कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। अब हम इस फ्लैशर की वायर्स का कनेक्शन करेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो ये ब्लू वायर है इसे राइट इंडिकेटर में जोड़ना है और ग्रीन वायर को लेफ्ट इंडिकेटर में जोड़ना है। तो मैंने इसकी जो ब्लू वायर है इसको ये राइट इंडिकेटर वायर से जोड़ दिया है और जो ग्रीन वायर है उसे लेफ्ट इंडिकेटर से जोड़ दिया है। इस वायर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब इसे मैं यहाँ लेके आऊँगा। अब ये जो रेड वायर है इसे मैं इससे जोड़ूंगा जो बैटरी से आ रही है। इस येलो वायर को जोड़ूंगा मैं पैटर्न चेंजर स्विच से जो मैं आगे हैंडल बार से लेके आया हूँ, और इसको मैं कर दूंगा ग्राउंड किसी भी गाड़ी के नट बोल्ट पे। तो आगे जो पैटर्न चेंजर स्विच से ये दो वायर्स आ रही हैं, इसमें एक एक को जोड़ना है मुझे येलो में, ये जोड़ दिया, और दूसरी को जोड़ना है मुझे रेड वायर के साथ। एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमें जो बैटरी से आ रही है रेड वायर, इसका कनेक्शन लास्ट में करना है जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके। जो फ्लैशर की येलो वायर है मैंने पैटर्न चेंजर स्विच से जोड़ दिया है और दूसरी वायर को जोड़ दिया मैंने रेड से। अब इस रेड वायर को मैं जोड़ूंगा इस रेड वायर से, उससे पहले मैं टेपिंग कर लेता हूँ सारी वायर्स पे। पहले मैं अभी इस ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देता हूँ। अब मैंने इस रेड वायर को इस रेड वायर से जोड़ दिया और इसे मैं टेपिंग कर दूंगा। तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये रहा फ्लैशर, इसकी येलो वायर जोड़नी है पैटर्न चेंजर स्विच में, ये रही रेड वायर, इसे जोड़ना है बैटरी में और पैटर्न चेंजर स्विच की दूसरी वायर में। ब्लू वायर को जोड़ना है राइट इंडिकेटर में, ग्रीन को जोड़ना है दूसरे इंडिकेटर में, ये ब्लैक वायर को करना है हमने इससे ग्राउंड। सारे कनेक्शन हो चुके हैं, बहुत ईजी है इसे लगाना। यहाँ पर हमने नट टाइट कर देना है। अब इसको मैं यहाँ कहीं भी इस नट पे या कहीं भी ऐसे ही रख दूंगा और अटैच कर दूंगा। सारी ओपन वायर्स में हमने टेपिंग कर दी है, स्विच भी हमारा लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे चलाना कैसे है। तो चलाना बहुत सिंपल है, गाड़ी आपको ऑन रखनी है, जो इंडिकेटर है इसको एक बार लेफ्ट राइट और बंद करना है। तो देखिए ये चल चुका है। ये जो पीछे के इंडिकेटर्स हैं ये दोनों थोड़े ख़राब हो रहे हैं, इसकी जगह मैं नए इंडिकेटर्स लगाऊंगा। उसकी नई वीडियो आएगी जिसमें मैं इसके सारे मोड्स दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखा रहा था, तो इंस्टॉल मैंने कर दिया और ये वर्क कर रहा है। एक दो पैटर्न मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ।
पैटर्न चेंज करने के लिए सिंपल इसे दो बार दबाना है। लेफ्ट राइट और ये बंद हो जाएगा। तो डेट सेट गाइज, इसे इंस्टॉल करना इतना इजी था, ज़्यादा कुछ टफ इंस्टॉलेशन नहीं है, बहुत इजी इंस्टॉल करना। मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं डबल साइडेड टेप लगा के इसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये प्रॉपरली इसके नीचे फिक्स हो चुका है जिससे इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। तो इस फ्लैशर के कुछ पैटर्न्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और जो बाकी पैटर्न्स हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और ऐसी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।